हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने देश के अंदर अलग अलग जो इनके बैंकिंग सिस्टम हैं, अलग अलग जो बैंक हैं अलग अलग स्टेट में, तो वहां पर दोस्तों वैकेंसीज निकाली हैं जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की। ठीक है दोस्तों, जो ग्रेजुएट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं और स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। ठीक है, रेगुलर वैकेंसीज हैं यहाँ पर और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो किसी एक ही स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक ही स्टेट की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, इसेंशियल रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो दो तो आपके एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम। और इसके अलावा जिस भी स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कर्नाटका की जो लोकल लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, तो आप कन्नड़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपका टेस्ट भी होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ गुजरात के लिए आपने अप्लाई करा और गुजराती आपकी ऑप्टेड लैंग्वेज है, लेकिन गुजराती लैंग्वेज आपने जो 10th या 12th में पढ़ी हुई है, तो उस केस में आपका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों, जो लोकल लैंग्वेज है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने 10th या 12th में पढ़ी हो, लेकिन उसका टेस्ट ज़रूर होगा अगर नहीं पढ़ी होगी, और अगर पढ़ी होगी तो उसका टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, पूरा नोटिस यहाँ पर है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 3 जनवरी से 26 जनवरी तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसीज का, तो गुजरात है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा सिक्किम, ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का भी इस बार बहुत ख्याल रखा गया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, केरला, लक्षद्वीप, यूपी, महाराष्ट्र, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और आपका बिहार, झारखंड। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलेगा यहाँ पर, जो है आपका कश्मीर वैली और लेह एंड कारगिल वैली और आपका दिबांग वैली, पूरा और जो एक नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब वैकेंसीज हैं और ऑब्वियसली दोस्तों वैकेंसीज हमेशा टेंटेटिव होती हैं, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। कुल मिलाकर जितनी भी ये वैकेंसीज हैं हर स्टेट की, हर कैटेगरी की, ये तकरीबन 8,000 से ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके और एडिशनल क्राइटेरिया की, तो एज लिमिट इसमें है आपका कम से कम 20 साल, 20 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2020 की ये कट ऑफ डेट है एज लिमिट की। ठीक है, और इसमें ऑब्वियसली रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट में SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल EWS के लिए 10 साल और PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है और विडोड डिवोर्स वुमेन जो होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। और दोस्तों, जो भी आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा यदि आपका सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, और इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, तो इसकी भी कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2020। किसी भी डिसिप्लिन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क इंग्लिश लैंग्वेज का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से 35-35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक एक मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए और तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे और टोटल 1 घंटे का आपका ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 मार्क, यानी कि 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर गलत आपका आंसर होता है तो। और यहाँ पर जो ये फेज 1 का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि किसी इंडिविजुअल सेक्शन के लिए, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए इतने % मार्क्स लाओ, तो वो सब नहीं है। और इसी तरीके से जो एग्रीगेट है, जो कि 100 मार्क्स हैं, इसमें से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि जनरल वालों को 30 लाने ही हैं, OBC वाले को 25 लाने हैं, तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा
उसका रिजल्ट आएगा और वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें डिसाइड करी जाएंगी कि मिनिमम कितने मार्क्स वाले को मौका दें मेन एग्ज़ाम में अपेयर होने का। अब मेन एग्ज़ाम यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसके चार सेक्शन हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एबिलिटी। तो सभी के 50-50 क्वेश्चन हैं, बस इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये जो टेस्ट है इसमें 190 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स का ये टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो रीजनिंग एबिलिटी है उसमें 50 क्वेश्चन है लेकिन 60 मार्क्स के होगा वो, 45 मिनट के ये सेक्शन है, नीचे के दो ऊपर के दो आपके 35-35 मिनट के हैं, 2 घंटे 40 मिनट का ये एग्ज़ाम आपका रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो होगा उसकी लैंग्वेज जो होगी इंग्लिश और हिंदी दोनों होगी, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है। जो होगी इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही आपका आएगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट, कैंडिडेट ऑन एग्रीगेट फॉर एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल, मिनिमम क्वालिफिंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइड बाय बैंक, नो मिनिमम क्वालिफिंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू दियर एग्रीगेट मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन रिस्पेक्टिव स्टेट एंड कैटेगरी। तो बेसिकली दोस्तों ये लोग ये बता रहे हैं कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके अंदर भी कोई ऐसी मिनिमम जो मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो रखी नहीं गई है, वो डिसाइड नहीं हुई है, लेकिन वो डिसाइड होगी जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 5% तक का रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा एस सी एस टी ओ बी सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, ठीक है। और जो सिलेक्शन रहेगी वो ऑब्वियसली जो आपका स्टेट वाइज लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वाइज लिस्ट बनेगी, उसकी बेसिस पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। बाकी दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम का कॉल लेटर आएगा या फिर आप कह सकते हैं एडमिट कार्ड आएगा, उसी के साथ साथ उसकी गाइडलाइंस बुक भी आती है ऑनलाइन, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मेन एग्ज़ाम के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपकी जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया होगा उस पर्टिकुलर स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगी उसका टेस्ट आपका रहेगा। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसका सिर्फ ये रोल है, जो वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, सिलेक्शन क्राइटेरिया में उससे कुछ रोल नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है ताकि कैंडिडेट को मेन एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो मेन एग्ज़ाम के स्कोर के बेसिस पर ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसको जो वेरिफिकेशन होता है वो सब होगा, और जो आपका लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट वगैरह होगा। दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका फरवरी या मार्च में कंडक्ट होगा, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर वगैरह वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त चूज़ करेंगे, ठीक है। मेन एग्ज़ाम भी आपका अप्रैल में कंडक्ट हो जाएगा। पे स्केल देख लीजिए यहाँ पे, जो 11,765 तो यहाँ पे लिखा हुआ है पे स्केल, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और यहाँ पे बेनिफिट्स भी हैं जो कि आप दे सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड भी इसमें रहेगा 6 महीने का। बाकी दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी भी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाते हैं कंप्यूटर बेस्ड मोड में, तो उनके लिए कुछ ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एस सी एस टी और एक्स सर्विसमैन और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके लिए होता है। कॉल लेटर तो सब कुछ ऑनलाइन ही आएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे दोनों एग्जामिनेशन के लिए, कोई आपको हार्ड कॉपी नहीं सेंड करी जाएगी कॉल लेटर की, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करनी है। बाकी एग्ज़ाम के टाइम पर जो आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होता है वो भी आपको लेके जाना है, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन भी रहेगा, ठीक है। कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, और बाकी जो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। ईडब्ल्यूएस को भी 750 रुपये की फ़ीस देनी होगी। अप्लाई करने का प्रोसीजर कंप्लीट ऑनलाइन है, ठीक है, और पेमेंट भी आप ऑनलाइन मोड के थ्रू पे कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। गुड लक, ये नंबर अगर उठा लेते हैं वो तो। और दोस्तों फॉर्म जब आप फिल कर चुके होंगे, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड, पेमेंट वगैरह कर चुके होंगे, तो उसके बाद जब आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो ई रिसिप्ट जो होगी और एप्लीकेशन फॉर्म होगा उन दोनों का प्रिंटआउट लेकर रख लीजिएगा फ्यूचर पर्पज़ के लिए, ठीक है। कोई भी हार्ड कॉपी उन दोनों की कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए आपको उसकी जो प्रिंटआउट है वो लेकर रख लेना है, ठीक है, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो उस टाइम पर वो चीज़ें काम आती हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो अप्लाई करेंगे एस सी एस टी या ओ बी सी, उनको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का सर्टिफिकेट जब उनका अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो उस टाइम पर दिखाना होगा, उस टाइम पर ऑनलाइन वगैरह अपलोड करना होगा जिस भी तरीके से वो बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त सबमिट करना है, ठीक है, तो ये भी आप दे सकते हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले दोस्तों
रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना कंपलसरी है, क्योंकि जो फर्दर डिटेल रहेगी वो उसी पर आपकी भेजी जाएगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट विल हैव ऑप्शन टू आंसर टेस्ट क्वेश्चन इन हिंदी और इंग्लिश एक्सेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज जनरल इंग्लिश। दे विल हैव टू अपेयर फॉर द टेस्ट फॉर देयर ओन कॉस्ट। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं और कोई किराया नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, अलाउंस नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए। बाकी कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा टेंटेटिव लिस्ट फॉर सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग लिस्ट लिखी हुई हैं, मतलब सॉरी अलग अलग स्टेट के नाम और उस स्टेट में कहाँ कहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस हैं, इसको अगर आप चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पर फॉर्मेट लिखे हुए हैं अलग अलग आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करके दिखाएं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।